फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। गाइस आज की वीडियो नज़ार टेक्नोलॉजी पे है। जैसे कि आपने देख रहे हो कि कल के दिन इसमें गिरावट थी। गाइस मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ना तो ये स्टॉक 2021 में आया था एंड अभी तक इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। एट मीन्स आप कह सकते हो अभी तक इसके अंदर बाइंग देखने को नहीं मिली, कोई बायर्स आते हुए नहीं देखने को मिले। एंड एक साल के अंदर 1% तक गिरा, साल भर में 28% और 6 मंथ के अंदर 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। गाइस हल्की फुल्की से आप कह सकते हो उसके अंदर तेजी देखने को मिली। 28 नवंबर से आप लगा लीजिए, ये जनवरी तक 21% का रिटर्न दिया, देन उसके बाद फिर से इसके अंदर डाउनफॉल आया। अभी मैं बताऊँ आपको तो ये 4000 करोड़ की कंपनी है एंड 989 इसने हाईएस्ट बनाया। एंड जब लिस्टेड हुई थी तो 835 के प्राइस पे थी। इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि जो नज़ारा है ना उसने क्या करा है, ऑनरशिप हासिल कर लिए नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया की। वो कैसे, गाइस देखिए पहले अब इसने कितनी करी है, बैंक 28 और पहले ये ऑलरेडी कर चुका था 2023 के अंदर 71%। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नज़ारा टेक्नोलॉजी एक गेमिंग कंपनी है जिसने अपनी सब्सिडरी गेमिंग सब्सिडरी नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया का मल्टीमीडिया के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की इंटू का गेमिंग फोकस ग्लोबल वेंचर कैपिटल के थ्रू। ठीक है, तो आप कह सकते हो जहाँ ये आप कभी फ्लैट कर रहा था ट्रेड तो आज में आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गाइस फंडामेंटल पे आऊँ तो देखिए रिजल्ट्स, इसके सेल्स पिछले साल के मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिले। रेवेन्यू में भी गिरावट आ गई, 9 करोड़ से सीधा 18 लाख पे आ गया, क्वार्टरली भी और एनुअली भी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट में भी। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं बात करती हूँ, सीधा बैलेंस शीट पर अगर मैं आऊँ तो देखिए रिजर्व काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बोरिंग कम है। एंड इन्वेस्टर की बात की जाए तो गाइस इन्वेस्टर्स ने इधर ट्रिम करा है और एफआईआई ने भी ट्रिम करा है। डीआईआई ने इसके अंदर एंट्री करी है और पब्लिक ने भी। तो गाइस आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि देखिए एक प्रोफेशनल के पास चला गया ये स्टॉक, और अगर इसके अंदर एफआईआई की कभी एफआईआई ने कभी अपनी स्टेक्स बढ़ाया है, कभी कम करे, कभी बढ़ाया है, कभी कम करे, ऐसी चीज़ें करी हुई हैं इन्होंने, जैसे यहाँ सप्टेम्बर में बढ़ा लिए थे या कम कर दे, तो ये ट्रेडिंग इनकी चलती रहती है। इनसे घबराने की कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि डीआई आ गए हैं, काफ़ी अच्छी होल्डिंग नजर आती है डीआई की और पब्लिक की भी, तो आपको इस पर ट्रस्ट वर्थी आप करके चल सकते हो। गाइस सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। ठीक है, देखिए अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, मैं बताऊँ तो इंडस्ट्री भी 36 है और स्टॉक भी 69 है। आरओसी आरओई 4-5 पे देखने को मिलता है, जबकि कहा जाता है कि 10 और 12 से अगर ऊपर जाएं तो ही आरओसी आरओई को काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड अगर काम की बात की जाए ना इसके, तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस इसका गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि हमें इंडिया में प्रेजेंस देखने को मिलती है और एमर्जिंग डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी, जैसे कि अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका इसके अंदर भी। तो बस इस स्टॉक को थोड़ा सा आप नज़र में लेकर चल सकते हो, क्योंकि देखिए गेमिंग तो बंद होने वाली है नहीं और इसका भी फ्यूचर ब्राइट है, तो आप इसको एक तरीके से फॉर द फ्यूचर पर्पज से आप इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। देखिए 835 से सीधे 614 पर मिल रहा है, अगर 600 पर भी आ गया ना तो आप इसमें एंट्री लेकर चल सकते हैं। बाकी गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।